क्या जरूरत है सोसाइटी को गुरुजी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गुरुजी होंगे तो सही गाइड करेंगे, अगर सही गाइड करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी सही रास्ते पर जाएगी। अगर युवा पीढ़ी सही रास्ते पर नहीं जा पाएगी तो अपने आगे समाज का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सो गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं और जान रहे हैं उनका क्या कहना है गुरुजी के बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? अंशिका बजाज, सादुल शहर से, राजस्थान से। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन अब चल रही है, लास्ट ईयर है। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं? डेरा सच्चा सौदा में मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा इस गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इनको गलत मानते हैं वो एक बार डेरे में आके जरूर देखें, खुद सच का सामना करें, तो उनको सब पता चल जाएगा कि जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है सब गलत है, जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं सब एकदम गलत है। तो मेरी सबसे यही बेनती है कि खुद आए और खुद सच का पता लगाएं, लोगों की झूठी बातों में ना आए। बीइंग गर्ल कैसा लगता है आपको, सेफ्टी के पर्पज़ से कैसा लगता है आश्रम? कैसे सेफ्टी कैसी है गर्ल्स की? गर्ल्स की सेफ्टी मतलब खुद को कुछ समझना, ऐसे नहीं है कि आज के टाइम में कि हम कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। गुरुजी ने लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया है, खुद उनको सेफ्टी के बारे में शिक्षा दी है और आज डेरे में जो भी स्कूल्स हैं उसमें गुरुजी ने खुद जाकर लड़कियों को शिक्षा दी है और आज वो लड़कियाँ सब अपने को सेफ मानती और किसी भी एरिया में वो लड़कों से कम नहीं है। डेरा सच्चा सौदा में कैसी सुरक्षा है लड़कियों को? बहुत ज़्यादा सुरक्षा है क्योंकि यहाँ सारा कुछ गुरुजी द्वारा गाइड किया गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी कुछ गलत गाइड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कुछ है सब गुरुजी की रहमत से है, गुरुजी की शिक्षा से है। आज अगर लड़कियाँ खुद को सेफ फील कर रही हैं तो वो सब गुरुजी की रहमत है। गुरुजी का नेचर व्यवहार कैसा? गुरुजी का नेचर व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़े, उनका हर माहौल में खुद को इतना बढ़िया एडजस्ट करते हैं कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे अभी 3 साल होने वाले हैं गुरुजी नहीं है समाज के अंदर, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही, घरों में सही शिक्षा नहीं जा रही, जिस वजह से लड़ाइयाँ बढ़ रही है। लेकिन जो प्रेमी हैं उनको अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है, वो सिमरन कर रहे हैं, तो उनको गाइडनेस अंदर से मिल रही है। लोगों का ये सोचना है कि उनको गाइड नहीं कर रहे गुरुजी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेमियों के लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका विश्वास ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से यही मांग करेंगे कि गुरुजी पर जो भी आरोप हैं गलत हैं उनको गलत साबित करके दिखाएं और सच को सामने लेकर आएं और गुरुजी को दोबारा साध संगत के सामने भेजें, सबके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच। समाज में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा की सख्त जरूरत है, ये लोग मांग कर रहे हैं लगातार। आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।